आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, सपा प्रसपा के बीच हुआ है गठबंधन। जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है सभी को जानकारी, अखिलेश ने शिवपाल से 40 मिनट की है मुलाकात। शिवपाल के आवास पर हुई थी यह मुलाकात। चाचा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां सपा प्रसपा के बीच गठबंधन हुआ है, जहां शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव, उनके आवास पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है ये जानकारी। अखिलेश ने शिवपाल से 40 मिनट तक की थी मुलाकात, जहां शिवपाल के आवास पर हुई थी यह मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चाचा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, सपा प्रसपा के बीच गठबंधन हुआ है, जहां अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 40 मिनट तक की थी मुलाकात, जिसके चलते तमाम बातों के बाद अब गठबंधन की बात सामने आई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है इसकी जानकारी। की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चाचा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, जहां सपा प्रसपा के बीच गठबंधन हुआ है, जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है इसकी जानकारी। अखिलेश ने शिवपाल से 40 मिनट की थी मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर। शिवपाल के आवास पर हुई थी मुलाकात, जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 40 मिनट तक शिवपाल यादव से बातचीत की, जहां पर सपा प्रसपा के बीच गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आप, चाचा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर, जहां तकरीबन 40 मिनट की वार्तालाप के बाद अब सपा प्रसपा का गठबंधन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है जानकारी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लाइव, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आखिर? ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम है जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि जो उम्मीदें और जो कयास लगा रही थी बीजेपी की चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव भतीजे के बीच में, अब जो गठबंधन है या फिर जो साथ है वो आगे तक नहीं चलेगा। 5 साल बाद आज अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है, और मुलाकात करने के थोड़ी देर बाद अखिलेश की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है, और सीटों को लेकर जो चर्चा है उस पर आगे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये ट्वीट करके बताया गया है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अब एक हो गए हैं। हालांकि जब ये लड़ाई हुई थी 5 साल पहले 2016 में, तब लड़ाई का कारण यही था कि परिवार में आपसी मतभेद, और उसके बाद अखिलेश की कैबिनेट, क्योंकि उस दौरान अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान शिवपाल सिंह यादव को कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया गया था, जिसके बाद से शिवपाल सिंह यादव काफ़ी नाराज हो गए थे, और 2016 के बाद से ही दोनों के बीच में बातचीत होना, बैठकें होना, सब कुछ लगभग बंद सा हो गया था। कई मंचों पर दोनों एक साथ दिखाई दिए, कई कार्यक्रमों में एक साथ दिखाई दिए, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन बार बार शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश यादव से जब पूछा गया था मुलाकातों को लेकर के, चुनाव के गठबंधन को लेकर के, तो दोनों की तरफ से कोई भी सही तरीके का बयान नहीं जारी किया गया था। लेकिन बीते दिनों शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान जरूर उत्तर प्रदेश में दिया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होने वाला है, और आज उस बदलाव की जो नींव है वो रख दी गई है। श्वेता, आज अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की आवास पर करीब 40 मिनट की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में इस बात को भी लगभग फाइनल कर दिया गया है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में जो गठबंधन है वो लगभग
तय है। अभी कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये अपनी दावेदारी करने कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही पार्टियों के बीच में लगभग गठबंधन तय हो गया है। अब ये सीटों को लेकर मामला अभी क्या बना है, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि शिवपाल सिंह यादव ने 10 सीटें जो थी वो मांगी हैं, लेकिन अखिलेश यादव 10 सीटें देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ अखिलेश यादव का जो प्रेम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में जो प्रसपा है उसका साथ लेना भी उनको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। इसके अलावा अभी जिस राजनीतिक दल को उन्होंने खड़ा किया है उसका भी अपना एक अलग वोट बैंक है, और कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं इस वक्त जोश देखा जा रहा है, क्योंकि जब अखिलेश यादव शिवपाल के घर पर मिलने पहुँचे तो शिवपाल सिंह यादव के घर के बाहर दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हो गए थे, और दोनों ने नारेबाजी भी करनी लगभग शुरू कर दी थी कि अब साथ एक साथ हो गया है। तो उसके बाद अब अनुमान यही लगाया जा रहा था कि लंबे अरसे से, लंबे समय से दोनों ही राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी इंतजार था कि ये दोनों एक साथ आ जाएं। आज वो घड़ी आ गई है। अब सीटों को लेकर क्या फाइनल होता है, क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है, कितनी सीटों का ऑफर अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है और कितने पे चाचा शिवपाल मान गए हैं, ये बताया जा रहा है कि शायद थोड़ी देर बाद या फिर एक दो दिन में इसका जो खुलासा है वो भी किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे की यही है कि आज अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की ये मुलाकात हुई है, और अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, और प्रसपा और जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, इन दोनों का एक साथ गठबंधन होना लगभग तय हुआ है। जी नितिन, जिस तरीके से 40 मिनट की वार्तालाप चली है उसमें गठबंधन की बात तो सामने आई है, और क्या क्या रणनीति तैयार की गई होगी, किस बात पे कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए, रणनीतियों की बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जब से काबिज हुई है सत्ता में, तब से लगातार बीजेपी की तरफ से यह प्रयास रहा है कि जो ये दोनों ही परिवार हैं राजनीतिक घराने, जिसमें शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो खटपट चल रही थी, जो एक लंबे समय से चल रही थी, इसको और विस्तार दिया जाए। बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश थी कि इस लड़ाई को और बड़ा किया जाए, और इसी वजह से शिवपाल सिंह यादव की बीजेपी से काफ़ी करीबियां भी देखने को मिली। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी शिवपाल सिंह यादव की काफ़ी करीबियां देखने को मिली थी। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकातें की थी, और अंदर खाने से ये भी खबर सुनने में आ रही थी कि बीजेपी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव को राज्यपाल बनाने तक का ऑफर दिया गया था एक प्रदेश का, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने मना कर दिया था, और उसके बाद वो जो मामला था वो ठंडे बस्ते में रह गया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने हर तरह के जो प्रयास हैं वो किए थे कि कुछ भी करके शिवपाल सिंह यादव को और अखिलेश यादव के बीच की जो दूरी है उसे और बढ़ाया जाए, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद, 5 साल बाद आज ये जो लड़ाई थी, लड़ाई लगभग ख़त्म हुई है और दोनों ही चाचा भतीजे एक साथ दिखाई दिए हैं। तस्वीर भी है, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करी है उसमें तस्वीर भी है जिसमें वो अपने चाचा और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के साथ खड़े हैं। तो कोशिशें बहुत रही हैं बीजेपी की तरफ से या फिर कुछ अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से कि इन दोनों के बीच जो मामला है वो थोड़ा और गंभीर होए, लड़ाई और बढ़े, लेकिन आज कहीं ना कहीं सबकी जो समस्याएं थीं वो भी कम हुई होंगी। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रसपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी समस्याएं कम हुई होंगी, लेकिन बीजेपी की समस्याएं जरूर बढ़ेंगी। जी तो नितिन, जिस तरीके से अभी आज ये चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई खत्म हुई और लड़ाई खत्म हो के गठबंधन हुआ है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का भी हस्तक्षेप बताया जा रहा है? अब बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव भी उन्हें सम्मान देते हैं, बड़े भाई हैं शिवपाल सिंह यादव के, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पिता हैं मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को खड़ा करने से लेकर के उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तब शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्ता को चलाया है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत बेहतर है। और अभी बीते दिनों मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर भी शिवपाल सिंह यादव उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गए हुए थे। हालांकि पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी अनुमान लगाया जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव आ सकते हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद
शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचे थे और उसकी मुलाकातों के दौरान कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कहा था कि बहुत जरूरी है दोनों का एक साथ हो जाना, अगर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए सत्ता में आने के लिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। और ये अंदर खाने से भी खबर है श्वेता कि मुलायम सिंह यादव ने ही इस मुलाकात की अगुवाई भी करवाई है। मुलायम सिंह यादव ही चाह रहे थे कि दोनों ही नेता मुलाकात करें, चाचा भतीजा मुलाकात करें और जो बीच का रास्ता है उस रास्ते को निकाल करके जो सामंजस्य है उसे बैठाया जाए और उसी को देखते हुए आज ये मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जिस तरह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में या देश के उन नेताओं में शुमार हैं जो जमीन की राजनीति करते हैं और कभी भी राजनीति को पलटना जानते हैं, तो ऐसा ही एक कदम एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने चलाया है और आज शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात उन्होंने करवाई है। श्वेता तो माना जा रहा है कि इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार दे सकती है। देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हार दे सकती है या नहीं दे सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर था कि अगर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ होकर के चुनाव नहीं लड़ते तो जो वोट कटता है उस कटने का नुकसान दोनों ही राजनीतिक दलों को होता, क्योंकि दोनों ही के कार्यकर्ता कभी एक साथ काम करते थे लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। और ऐसे में अगर एक ही जगह से अलग अलग प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता, दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग प्रत्याशियों को खड़ा करते, तो जो वोटर है समाजवादी पार्टी का या प्रसपा का कोर वोटर जो रहा है उसके अंदर या फिर उसके सामने काफी समस्या खड़ी हो जाती कि आखिर वो वोट किसे दे, क्या वो शिवपाल सिंह यादव के कैंडिडेट को दे या फिर अखिलेश यादव के कैंडिडेट को दे, ये सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ये दोनों एक साथ आ जाएं और यही कदम उठाया भी गया दोनों की तरफ से कि दोनों एक साथ आए हैं। और वो जो वोट कटने की संभावनाएं थी, नुकसान पहुंचने की संभावनाएं थी समाजवादी पार्टी को या प्रसपा को, हालांकि इसमें सपा को ज्यादा नुकसान होता क्योंकि प्रगतिशील समाज पार्टी की बात अगर करी जाए तो हाँ पार्टी अखिलेश शिवपाल सिंह यादव ने खड़ी करी है, संगठन बनाया है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी की बात करें तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव को जिस तरह से जनाधार मिल रहा है, जिस तरह से जनता के बीच जब वो जा रहे हैं तो जो सपोर्ट मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो था वो शिवपाल सिंह यादव को ही हो रहा था। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने भी कई बार कोशिश की, कई बार उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं लेकिन अखिलेश की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सारी लड़ाइयों को सारी बातों को किनारे करके आज दोनों ही नेताओं ने आपस में मुलाकात की है। अब इसका असर कितना होगा ये देखना अहम है 22 के चुनाव में, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए थोड़ी समस्याएं हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चाचा भतीजे के बीच हुआ है गठबंधन, जहां आज सपा प्रसपा का गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने के आवास पर, जहां 40 मिनट तक चली थी मुलाकात, जिसके चलते अब अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव का गठबंधन हुआ है, जहां ट्वीट कर जानकारी दी है अखिलेश यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।